मिलकर जो है इस तरीके का टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करें। वैसे भी सभी खिलाड़ी जो है और आपके हमारे चीफ गेस्ट जो है हमारे बच्चे प्रिंसिपल, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोनों टीमों के कप्तान से जो वो सामने आए। पहला मुकाबला जो है वो हमारे ये वाली टीम तकरीबन सारी फिफ्थ मिस्टेक की है, एकाद बच्चे के अलावा तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फिफ्थ सेमेस्टर वर्सेस थर्ड सेमेस्टर हो रहा है। फिफ्थ सेमेस्टर के उसमें सारे इसमें थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, तो खेल को खेल के हिसाब से खेलना, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। हार जीत तो चलो हर कोई हारने या जीतने के लिए खेलता है, हारने के लिए कोई नहीं खेलता है, लेकिन कोशिश ये रहे कि हार में भी अपनी जीत बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक सारी पूरी उसे खेलो एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके डिग्री कॉलेज डोडा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि इंट्रामुलर क्रिकेट कंपटीशन जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। तो मेरे साथ में स्पोर्ट ऑफिसर प्रोफेसर अर्जुन सर जुड़े हुए हैं और साथ ही में मंजीत सर जो कि स्पोर्ट्स कन्वीनर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हर हफ्ते जो है गेम्स की एक्टिविटीज़ जो है डिग्री कॉलेज डोडा में कराई जा रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। शुक्रिया सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हर हफ्ते जो है यहाँ पर कोई ना कोई जो है टूर्नामेंट हो रहा है, बॉयज़ का हो गया गर्ल्स का हो गया, तो किस तरह का जो रिस्पांस है आपसे बच्चों को देखने के लिए मिलता है? रिस्पांस काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स का। अभी क्रिकेट में तो आपको पता है कि दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिकेट, तो ए टोटल ऑफ 16 टीम्स जो थी जिन्होंने रजिस्टर कराया इस टूर्नामेंट के लिए। तो वी आर प्लानिंग आज इनॉग्रेशन हुई इस टूर्नामेंट की, अभी पहला ही मैच चल रहा है, इसके बाद फैकल्टी का है आर्ट्स वर्सेस साइंस स्ट्रीम का, तो उसके बाद जो लीग मैचेस होंगे वी विल ऑर्गेनाइज देम लेटर ऑन, मतलब हर दिन एक मैच दो मैच, ताकि क्लास वर्क भी हो जो हमारा डिस्टर्ब नहीं हो, और उसके बाद फिर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल्स लेटर ऑन कराएंगे। कितने दिन जो है कम से कम ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पर चलेगा? एट मैक्स इट विल टेक एटलीस्ट 10 डेज। 10 डेज जी। तो सर 10 डेज का जो है मैच यहाँ पर होगा, और क्योंकि आपको ये भी देखना है कि क्लासेस भी जो है बच्चों की लग रही है, या कौन कौन से सेमेस्टर के बच्चे जो है यहाँ पर खेल रहे हैं? इसमें थर्ड फिफ्थ सेकेंड सारे सेमेस्टर्स के बच्चे जिनके अभी एनरोल्ड हैं वो सारे खेल रहे हैं। क्लासेस हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी, खाली आज के दिन में इनॉग्रेशन के टाइम पे हमने मैचेस जो है इस टाइम पे रखा है, बाकी जितने भी मैचेस होंगे वो हम कॉलेज टाइम से पहले ही उनको कर देंगे, 8 to 10 के टाइम पीरियड में ही उसको फिनिश कर देंगे, और पर डे एक सिंगल मैच या डबल मैच रखेंगे हम। हाँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आप जो है जल्द से ये चीज़ करेंगे। इसके अलावा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बच्चे जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से आपने बताया कि गेमों को लेके बहुत आगे आते हैं, तो ये जो बच्चे हैं इनकी टीमें अभी तक ये सिलेक्ट हुई हैं कि जो है हम कॉलेज के अलावा बाहर जो है कॉलेज से आउटसाइड जो भी गेमें होती वहाँ पर जो है हमारे कॉलेज के बच्चे जा पाएँ? बिल्कुल जाते हैं हमारे बच्चे, अब लास्ट 2 ईयर से जो कोविड का पीरियड रहा ड्यू टू डैट वो हमारे जो बच्चे दे डिडंट पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स क्योंकि ऑर्गेनाइज ही नहीं हुए, अब इस 22 में लगता है कि काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हमारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल और उसके बाद संगम फेस्टिवल तो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज होंगे, उनका शेड्यूल आने वाला है और हमारी टीम्स बन रही है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्रिंसिपल सर का डॉक्टर अस्तर सिंह कोतवाल का, क्योंकि उन्होंने उनकी सुपरविजन हमेशा रहती है स्पोर्ट्स को लेके, काफ़ी वो जो है एक्साइटेड रहते हैं, और मॉर्निंग भी हमारी फैकल्टी की एक्टिविटी चलती है 6 बजे से लेके 8 बजे तक, सारा स्टाफ हाफ ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट रहता है उसमें। अब और हमने हर गेम में सर ने ये किया है कि हर गेम में उन्होंने एक कन्वीनर बनाया ताकि एक सुपरविजन हो हर एक फैकल्टी मेंबर्स की अपॉन द स्टूडेंट्स, और वी कैन आइडेंटिफाई टैलेंट ताकि अपकमिंग जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हों उनमें हम लॉरल्स ब्रिंग कर ला सकें कॉलेज के लिए।
तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह का माहौल जो है आपको स्कूलों में देखने को नहीं मिलता। जब कॉलेज में बच्चा आता है तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई 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 से जो है, अगर हम जॉब्स की बात करें तो बहुत कम जॉब्स है। पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि एक ही फील्ड में जो है बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। हमारे साथ जो है प्रोफेसर मंजीत सर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो है इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर देख रहे हैं, हर हफ्ते जो है यहाँ पर कोई ना कोई जो है टूर्नामेंट कराया जाता है, तो आप कितने खुश हैं इस चीज़? देखिए, हम बहुत खुश हैं और हमारी यही कोशिश रहती है, एज कन्वीनर मैं यही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हम इंगेज करें। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बच्चे एक बुरी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और वो भटक रहे हैं, कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो अगर स्पोर्ट्स में आके उनके अंदर जो एक जो स्ट्रेस है उसको एक आउटलेट दें हम, और जो टैलेंट है वो भी हमारे पास बाहर निकल के आएगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ एज कन्वीनर कि बच्चे जो हैं उनके अंदर, देखिए हम सिर्फ बच्चे को यही नहीं कह सकते कि आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ना ही है। अगर हम सिर्फ पढ़ाई ही कराएंगे तो हमारे पास जो बाकी टैलेंट है वो पीछे रह जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे जितनी भी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम कोशिश करवाते हैं कि बच्चे आएँ, पार्टिसिपेट करें, और गेम से एक और भी उनको डिसिप्लिन जो है आता है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। इसको हमारी यही कोशिश आती है हमेशा। सर, हमने देखा कि डिग्री कॉलेज डोडा की हम बात करें तो आज से 2 साल पीछे चले जाएँ तो इस तरह के टूर्नामेंट्स जो हैं कॉलेज के अंदर नहीं हुआ करते थे। इस तरह का जो इस समय ग्राउंड का माहौल बना हुआ, ऐसा नहीं हुआ करता था, तो अब जो है ऐसा हो रहा है। उसके लिए हम यानी कह सकते हैं होता था या कितना होता था वो अलग बात है। उस टाइम हमारे पास अभी अच्छा ग्राउंड, देख सकते हैं अच्छी सी फेंसिंग हुई है, ग्राउंड भी अवेलेबल है हमारे पास, हमारे सर भी जो एक्सपर्ट हैं वो भी अवेलेबल है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, सामान भी है, सब कुछ है, तो इसलिए ये काम और ज़्यादा ईजिली हो पा रहे हैं। तो इसलिए जो और हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो खुद बहुत गेम्स के मतलब लवर हैं, वो तो हमें सुबह 6 बजे फ़ोन करके बुलाते हैं, आप देख सकते हैं हम वॉलीबॉल खेलते हैं, मेरी जो ये फिंगर जो है फ्रैक्चर हो चुकी है, नहीं छोड़ते हैं कि खेलना है फिर भी आपको। तो वो उनकी एक जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कि गेम्स के लिए हमें हमेशा वो मोटिवेट करते रहते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी यहाँ पे इंगेज करें हम बच्चों को। आप उन बच्चों को क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं अभी भी जो है किताबी कीड़ा बना हुआ है और उनके लिए ये माहौल जो है उन्हें रास नहीं आता? देखिए, अलग बात है, ये कुछ बच्चे जो होते हैं गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट हमें पढ़ाई तो इम्पोर्टेंस रहती है, उसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है, बट हम गेम में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो एक डिफरेंट लेवल का जो स्ट्रेस है हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं हमको दबा के रखता है वो बाहर निकल जाता है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे शाइनेस होता है, हम आके ज़ोर से चलाएंगे ना बहुत सारा स्ट्रेस निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए हम सभी बच्चों को कहते हैं कि किसी न किसी गेम अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, सर के पास नाम एनरोल अपना करवा सकते हो, तो जो है सर उसमें हो सकता है पार्टिसिपेशन उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसमें एक हमारे ऐसा नहीं कि बच्चे आज ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स से एज यू नो कि कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से कॉलेजेस भी नहीं लगे और बच्चे आ भी नहीं पाए। उससे पहले भी एक्टिविटीज़ हुई हैं कॉलेज में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रही है। उससे पहले जो है एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, लेकिन इंट्रामूलर इतनी जो हर हफ्ते जो है गेम्स नहीं हुआ करती थी, कहीं कहीं जो है महीने में एक आध बार हुआ करती थी। इससे पहले भी जब भी हमारे टूर्नामेंट डॉक्टर जसवंत सर थे हमारे, उस टाइम पे भी बहुत सारी टीम्स हमारी, पहले तो हमारा कल्चर था जनाब रीजन का कि हमारे बच्चे जो देवर पार्टिसिपेटिंग इन जो ट्रेडिशनल गेम्स थी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट, लेकिन दैट चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जसवंत। उन्होंने रेसलिंग लाई, उन्होंने उसके बाद हमारी बहुत सारी गेम्स, बैडमिंटन लाया, चेस लाई, उसके बाद आपके कम्बट स्पोर्ट्स में टाइकवांडो लाई, बहुत सारी 10-12 गेम्स में हमारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। अब उनका प्लेटफॉर्म, उनका बहुत सारा टैलेंट जो है अभी यहाँ खेल रहा है, जिनको उन्होंने कोच किया हुआ है और ट्रेंड किया हुआ है। अब नेक्स्ट का यही रहता है कि जो नेक्स्ट ओवरटेक करें उस चीज़ को, तो और अपलिफ्ट करें। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंटेड जो स्पोर्ट्स कमेटी है और बाकी जो कन्वीनर है डिफरेंट गेम्स के, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक और उनका इंटरेस्ट लेवल है कि वो टैलेंट फाइंड करें, बच्चों को तैयार करें ताकि वो एक अच्छे लेवल पर जाके कम्पीट करें। और वंस अगेन आई विल लाइक टू थैंक देम, स्पोर्ट्स कमेटी को, कन्वीनर साहब को, और अपने डॉक्टर प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल को, बिकॉज विदाउट देयर कंट्रीब्यूशन, विदाउट देयर सजेशंस और विदाउट देयर इंटरेस्ट, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी एंगेज दिस मच स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी। हमारी ये कोशिश रहती है कि एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज whether it is girl or boys, they should participate in some sort of sports activity. हमारी कोशिश ये रहती है ताकि they don't indulge in any sort of delinquent work. तो वो हमारी कोशिश रहती है। तो मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं, द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, होप सो इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग गेम्स विच वी विल ऑर्गेनाइज, देर विल बी मोर रिस्पॉन्स, यू विल सी। थैंक यू सर, थैंक यू।
हाँ, आप सभी को बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहले अगर हम बात करें, सर का भी सही कहना है कि कुछ चुनी गिनी गेमें जो है वही कराई जाती थी, लेकिन अब जो है मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, सरकार की तरफ से भी जो जोर है वो खेलों पर दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है आपको आज डिग्री कॉलेज डोडा में देखने को मिल रही हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।